हर ट्वेल्थ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की एकमात्र ख्वाहिश होती है कि हमें एडमिशन मिले और वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले तो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। आइए वेलकम करते हैं अपने स्टूडेंट आदित्य का जबरदस्त तरीके से किया है और हम सबों को गौरवान्वित होने का एक बार और मौका दिया है। कैसा लग रहा है आदित्य आपको आज? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैंने स्टार्ट किया था चार्टर्ड कॉमर्स से, आज ख़त्म कर रहा हूँ चार्टर्ड कॉमर्स पे, बट आगे भी गाइडेंस ये दूंगा कि लोग चार्टर्ड कॉमर्स से और जुड़े और आगे भी चार्टर्ड कॉमर्स हेल्प करेगा सबको। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम थोड़ी बहुत आपकी मदद कर पाए, चूंकि देखिए क्वालिटी रियल अगर हम बात करें तो स्टूडेंट ही रिजल्ट देता है, हम सब टीचर उनमें थोड़े प्रयासरत करते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन रिजल्ट वाकई आप देते हैं और आप उस लायक थे और इसी वजह से आपका रिजल्ट हुआ है, इसमें नो डाउट। आप ये बताएं, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि अपने तमाम स्टूडेंट्स को जो खास करके ट्वेल्थ में है, उन स्टूडेंट्स को कि कैसा अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से वो प्रिपरेशन करे कि उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनल हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पजलसम सिचुएशन में रहते हैं। सर पहले तो सारे स्टूडेंट को ये अपना डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है या बीकॉम ऑनर्स करना है या बीकॉम प्रोग्राम करना है या किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाना है। अगर आप कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स टारगेट कर रहे हैं तो आपको सर 11th में एक मैथ्स लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन। एग्जैक्टली। बट अगर आप बीकॉम ऑनर्स का टारगेट कर रहे हैं तो आपको एज अ मेजर अकाउंट्स और इंग्लिश को डोमेन लेके चलना पड़ेगा स्टार्टिंग से, तो तभी आगे जाके पॉसिबल है कि आपको डीओ में किसी अच्छे कॉलेज में एंट्री मिल जाए। निश्चित तौर पर, कहने का मतलब है मैथ्स को आप साथ में रख के चलिए अगर आपको इकोनॉमिक्स से ऑनर्स करना है, और अगर बीकॉम ऑनर्स करना है तो फिर मैथ्स की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, बट इंग्लिश की और अकाउंटेंसी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप ये बताइए कि इंग्लिश को किस अंदाज में आपने अप्रोच किया है? सर इंग्लिश को मैंने स्टार्टिंग किया था ग्रामर के 8 सब्स्टिट्यूट से और बेसिक क्वेश्चन वही थे सीयूटी के एग्जाम में भी, बट यू शुड हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल द पैसेजेस और टाइम काफ़ी कम होता है और पैसेजेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। निश्चित तौर पर आप मेरे ख्याल से 12th में बिहार बोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं, CBSE के स्टूडेंट, क्या CBSE के स्टूडेंट्स के लिए कुछ चैलेंजिंग आपको लगा कि CUET में कुछ ऐसा चीज़ जो अकाउंटेंसी में कुछ परेशान कर रहा हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगा, बट जनरल टेस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट तो वो नहीं थी सर, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए वो क्वेश्चन नहीं, और शायद इसी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए जनरल टेस्ट की अनिवार्यता नहीं। निश्चित तौर पर अब हमें सबसे लास्ट में हम ये जानना चाहते हैं आपसे, अकाउंटेंसी में किस अंदाज में आपने अप्रोच किया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर? सर अकाउंटेंसी में मैंने ट्राई किया कि जितने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर पाऊँ और कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट। आपको अकाउंटेंसी में ज़्यादा मार्क्स लाना है, ज़्यादा स्कोर करना है, तो सर आपको पार्टनरशिप पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। एज कम्पेयर टू कंपनी और कैश फ्लो, ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही थे इस साल के CUET के एग्जाम में, बट आपको ट्राई दोनों करना पड़ेगा सर। निश्चित तौर पर। तो इंग्लिश की बात हो गई, अकाउंटेंसी की बात हो गई, और सिर्फ अब 2 सब्जेक्ट्स बचे हैं। हमारे जूनियर को, अपने जूनियर को बताएं कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स और BST के लिए आपका अप्रोच रहा, जिससे कि वो तमाम बच्चे लाभान्वित हो पाए, क्योंकि आज आपने जो कर दिखाया है वाकई हमारे लिए गौरव की बात है। इकोनॉमिक्स और BST के लिए क्या करना चाहिए? सर मेरे अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट बुक है TR Jain, आप उसको थ्योरेटिकली सारे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, चाहे वो इंडियन हो या मैक्रो हो। और BST में सर वैसे तो काफ़ी सारे बुक्स हैं, बट पूनम गांधी इज द बेस्ट, बिकॉज पूनम गांधी में सर MCQs क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो आपको वो एक्नॉलेज करेगा कि आप CUET में अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। निश्चित तौर पर। तो आपने सुना अभी आदित्य को, जबरदस्त रिजल्ट, हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आज, इनको फॉलो करिए, ये बच्चे वाकई आप सबके रोल मॉडल हैं और हमारे लिए निश्चित तौर पर गौरव की बात है कि आदित्य जैसा स्टूडेंट हमने पाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट विशेस।